हेलो गाइस, क्या हाल चाल है? उम्मीद है बढ़िया होगी। वैसे मेरा नाम संदीप है और ये मेरा व्लॉग चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। काफी दिनों बाद मैंने सोचा यार आपको मैं अपना घर दिखाऊं। तो आज जहां मैं रहता हूं वहां से पहले मैं एक और जगह रहता था, मतलब वो मेरा पुराना घर है। तो आज आपको वहीं का शेयर कराएंगे और चलिए चलते हैं। तो आज का वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। अभी बस बैठा था, कुछ एडिटिंग काम कर रहा था तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाते हैं। सो या लेट्स गो। तो एज ऑलवेज दिन काफ़ी ब्राइट है तो डोर क्लोज करते हैं। ये मेरे नए घर के साइड का सीन है और ये दिन काफ़ी अच्छा है आज का। तो पुराना घर पे चलने के लिए ना बस थोड़ा सा चलना पड़ता है, 200-300 मीटर, 5 मिनट का रास्ता, 2 मिनट का रास्ता है यार। थोड़ा सा यहाँ चलते हैं तो ऐसा रास्ते पे गाय वगैरह भी होता है कहीं पे बांधा हुआ। तो जैसा कि मैंने कहा, 200-300 मीटर चलने के बाद आए और फिर अभी इस जगह पे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी दोस्त भी हैं और यहीं पे लगभग बैठते हैं, मजे करते हैं। तो ये बैठने का एक तरह से जगह है। सो और बताओ तब तुम सब बताओ, मुन्ना क्या हाल है? और ये शेड्डी रैपर और ये माधव कुमार अवकाश कुमार। अच्छा अच्छा शेड्डी, अच्छा अभी जो अपना घर दिखाएंगे वो पुराना वाला और फिर जो वाशिंगटन डीसी में शिफ्ट होंगे, तो बताओ तुम सब कहाँ मिलेगा? तुम सब तो पता नहीं कहाँ से कहाँ रहेगा, बताओ। टेंशन ना लो, चाहे 2 साल बाद आना चाहे 5 साल बाद आना, यही अड्डा रहेगा और यही मिलेंगे तुमको, हम नहीं बदलेंगे। तो कहाँ रहेगा मुन्ना बताओ? कि इंग्लैंड में प्रोफेसर जाके बनेगा, कॉलेज में रहेगा प्रोफेसर है। ओके तो सब यही रहेगा, काफी सही है फिर तो। पुराना घर दिखाते हैं अपना, मतलब ऑडियंस को क्या कहते हो? यहाँ पे गली है तो यहाँ पे एक गली जो है मेन हाईवे तक चली जाती है, मतलब हाईवे थोड़ा मुड़ मुड़ के जाना पड़ता है ऐसे ऐसे करके। इधर रास्ता है तो हम जो है इधर से जाएंगे। तो ये चल रहे हैं, ये गली देखो ऐसा है यार, कितना गली है। तुम ऐसे हाथ फैला के दिखाओ, हाथ फैला के दिखाओ, चलो आगे। तो ये ऐसा सीन है गली का, लेकिन व्यू काफी सही है। ये गली का रहा है और सीन ऐसा है। और वो रेंज रोवर का मालिक ओनर गया तब, संजीव कहाँ जा रहा है रेंज रोवर पे? उसका काली रेंज उसने नया नया लिया है, वो अपना काली रेंज पे गया है घूमने के लिए। हम अपने घर पे आ गए और इधर एक गली है, तो ये हमारा घर है। तो यहाँ पे ये फाटक दरवाजा है, टूटा फूटा है, और ये भी अपना ही है। तो ये एक इधर है, ईस्ट साइड ये है और वो वेस्ट साइड। ये कौन सी गला है घर बाबा? ये देखो यार, घर पे क्या क्या उगने लगा है, पता नहीं क्या चीज है। तो इसने नया रिसर्च किया, जैसे वास्को डिगामा ने इंडिया का रिसर्च किया है ना, वास्को डिगामा ये कौन? इंडिया का खोज वास्को डिगामा ने किया, वैसे ही ये शेड्डी ने जो है इस पेड़ पौधे का रिसर्च कर दिया। तो दरवाजा खोलते हैं, ये काफी सालों से म्यूजियम में पड़ा हुआ था ये वाला पौधा। हाँ इसको तो दम लगा के खोलो। हाँ खुल गया, ये खुल गया। दरवाजा के अंदर चलते हैं, एंट्री मारते हैं इसके अंदर। खैर अभी भी जो एक कहते हैं ना, जो गसाए हुआ कहते हैं ना, वो अभी भी यही है। तो आ जाओ रैपर्स लोग, हिप हॉप यहाँ पे भी पहले वो कहते हैं ना गॉड का फोटो वगैरह रहता था, फ्लैश जलाते हैं यार। हाँ ये ऐसा सीन है। क्या फील हो रहा है बताओ, इस घर में क्या फील हो रहा है? ठंडा, पूरा ठंडा ठंडा। हाँ क्योंकि ये सब मिट्टी का बना हुआ है, मिट्टी मीन सोइल, वही मिट्टी का बना हुआ है। और ये यहाँ पे सब कुछ खाली है, मतलब हर एक स्पेस कुछ भी नहीं है, मतलब फ्लोर पे रखा हुआ, यहाँ पे बस मिट्टी है। पता नहीं ऊपर से गिरा होगा, ऊपर छत। हाँ ऊपर छत है इस पे, पहले यहीं पे रहते थे इसी घर में। तो ऊपर में देखिए, मतलब पानी भी गिरता होगा आई थिंक बहुत सारा। ये अभी भी यहाँ पे पूजा वगैरह होता है, ये देखो भगवान का वो है, आई डोंट नो क्या बोलते हैं इसको, सीधा बाबा। हाँ सीधा बाबा इसको बोलते हैं। एक बार ऊपर थोड़ा चढ़ के दिखाते हैं। ओ मैन, ऊपर चढ़ते हैं,
इधर क्या है, नहीं नाव पकड़ो। ये ऐसा सीन है, यहाँ भी मतलब रहते थे बचपन में, कहीं ना कहीं यहाँ पे डर लगता था यार, कि मतलब भूत भूत का डर, अकेले रहने में थोड़ा बहुत यहाँ पे दिक्कत होता था, नीचे रह जाते थे लेकिन ऊपर चढ़ने में प्रॉब्लम होती थी। तो ऐसा सीन है ये है। तो अब यहाँ से उतरते हैं। काफी दरार वगैरह घर में पड़ने लगा, काफी पुराना है यार। बाबा भी शायद यहीं पे रहते थे, जो ग्रैंड फादर हैं वो सब यहीं पे रहते थे पहले। हमने भी यहाँ पे रहा बहुत दिन तक। हाँ, और यहाँ पे दिखाते हैं सराउंडिंग, मतलब यहाँ पे एक घर है वो देखो कैसे कैसे टूट गया, वहाँ पे कैसे कैसे टूट चुका है। यहाँ पे ये मेरा घर, यहाँ पे खुद का अपना यह टूटा हुआ है यार, वो भी देख लो, ये ऐसा सीन है। तो ये चीज़ है, यहाँ पे पता नहीं किसी ने दूसरे घर का, मेरा तो नहीं है, किसी और ने यहाँ पे अपना रख दिया, जर्नी टाइप का समथिंग। तो और ये एक ओल्ड हाउस है, तो इसका इसमें लॉक लगा हुआ है यार। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं, ये जो छत है ना, मतलब जो खपड़ा वाला बना हुआ है, ये स्लोपिंग मोड में है, ऐसे बना हुआ है, कितना डिग्री पता नहीं एक्यूरेट, लेकिन स्लोपिंग में है। तो ये पहले ना मतलब ऐसा था कि ढलैया था ईटा वाला, तो इसमें सोते थे, शायद मैं ही गिरा था, शायद मैं ही ऊपर से ना, ये पहले भी ऐसे स्लाइडिंग था, तो सीमेंट वाला था, सब सोते थे रात में, तो मैं शायद उधर गिर गया, पता नहीं मैं गिरा या कोई और मेरे भाई गिरे थे वो पता नहीं, लेकिन उधर गली में गिर गए थे, तो पता नहीं क्या चोट लगा था या नहीं लगा, कुछ पता नहीं, और कौन गिरा था ये भी मुझे याद नहीं, लेकिन इतना पता है कि कोई गिरा था। अच्छा सेडी, बताओ तुम मेरे घर के बारे में टिप्पणी कुछ करना चाहेगा? मैं क्या टिप्पणी करूँ, बताओ कुछ टिप्पणी करो मेरे घर के ऊपर। होम छोटा या बड़ा होने से कुछ नहीं होता, ये छोटा या बड़ा काम करता है। तो ये सेड्डी महापुरुष ने कुछ बोला, इसके बातों पे अमल किया जाए। 1989 में एक किताब पढ़े थे हम, अच्छा उस टाइम हमको याद नहीं है कौन सा किताब पढ़े थे। अच्छा उसी में ये सब था दिया हुआ ना। तो 1989 जन्म हुआ होगा, 1989 में। आ जाओ सब सब आ जाओ। तो यही कुछ सीन है, तो वैसा करेंगे अब चलते हैं यहाँ पे। आई होप आपने ये मेरा घर देख लिया होगा, कैसा सीन है यहाँ का नज़ारा, और चारों बगल साइड में ये घर बात दिखा दो हम बैठ। अच्छा हाँ हाँ, तुम्हारा घर किधर है? इसका घर इस घर के उस साइड में, वाले मैप में पता लगेगा, ऐसे नहीं पता लगेगा तुमको। वो वाला क्या चीज है और क्यों रखा जाता है? हाँ वो जो उल्टा हुआ है ना, पता नहीं वो क्या चीज है और क्यों रखा जाता है। हाँ? लेकिन लगभग सबके घर में देखते नहीं। हाँ? मतलब सबके छत पे वो चीज रहता है। अच्छा है। ये मुन्ना प्रोफेसर जी बताइए, वो क्या चीज है वहाँ पे रखा हुआ, क्या चीज है? देखने में तो हाथी है। लेकिन वो दिया क्यों जाता है छत पे, मतलब खपड़ा पे? शादी पता नहीं। हाँ तो प्रोफेसर माबो यहाँ पे बताएगा, प्रोफेसर माबो मनी हेस्ट का, ये भी प्रोफेसर था पहले, तो बताओ क्यों दिया जाता है वो चीज? पता नहीं, कमाल है ब्रो, चारों हाँ में किसी को भी नहीं पता। अब चलो अड्डा दिखाते वहां का। ओके सो अब दिखाएंगे आपको यहाँ पे जो अड्डा है हमारा, कहाँ पे दिन गुजारते हैं वो सब दिखाएंगे, जहाँ से दिन रात इन्होंने मेहनत किया और ये बिग अचीवमेंट प्राप्त किया। वो चीज दिखाएंगे। हाँ चलो वो चीज दिखाएंगे अगले वीडियो में, वो चीज अगले पार्ट में दिखाएंगे। हाँ वो चीज अगले पार्ट में दिखाएंगे, जहाँ पे हम ग्रो किए, जो जगह पे रहे वो सब दिखाते हैं। तो ये है सीन नज़ारा कुछ। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा, इस वीडियो को शेयर करिए, फैलाइए। क्या बताऊँ, जैसे लाइक सब्सक्राइब लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो, और कि बताओ अपने 2 मिलियन के इन्होंने कैसे आगे प्राप्त किया।